हेलो भाई, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। अभी फिलहाल मैं हूँ अहमदाबाद वाला हाईवे पे। अभी फिलहाल मैं जा रहा हूँ गोधरा के होलसेल मार्केट की तरफ। थोड़ी एक दो चीज़ें लेनी है। जा रहा हूँ एफसीए गोडाउन की तरफ। देखो यहाँ पे ये छोटा सा ब्रिज था, उनका शायद से काम चल रहा है यहाँ पे। एक आध महीने पहले आया था तब यहाँ पे नहीं था कुछ, अभी फिलहाल काम स्टार्ट कर दिया है क्योंकि जो है मानसून में यहाँ पे ओवरफ्लो हो जाता है। यहाँ पे ये काम चल रहा है। ब्लॉक का और ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन ही आपको जो है देखने मिलता है हमारी वीडियो में। तो यार बहुत दिनों बाद गोधरा आया हूँ तो सोचा कि आपको थोड़ा बहुत जो दिखाया जाए। बाकी जो है आने वाले टाइम में इस गाड़ी के साथ जो है बहुत अच्छी खासी रोड ट्रिप होने वाली है, सोलो ट्रिप, और एक फ्रेंड है मेरा उसके साथ भी जो है हमारी ट्रिप बनने वाली है। वो तो देखेंगे क्या सीन होता है आगे, क्योंकि अभी फ़िलहाल मैं अभी 15 तारीख तक फ्री नहीं हूँ, यानी कि जो उत्तरायण है वो चली जाएगी, उसके बाद ही मैं फ्री हो पाऊँगा। CCTV कैमराज लगे हैं, यहाँ पर भी चालान हो सकता है। देखो तो यार कहीं पर भी निकलो तो बेल्ट लगा कर ही निकलो, अपना टेंशन फ्री दे रहे कैमराज। देखो ये इसकी बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे यार कैमरा है तो यार अपना बेल्ट लगा कर चलो, कोई दिक्कत नहीं यार। मतलब तो मैसेज आया तो ठीक बात है, बाकी हमको पता भी नहीं चलता है कि ई चालान हमारा बना है। वो तो जो है RC का नंबर वगैरह डाल के चेक करना पड़ता है तभी जो है पता चलता है। कि ड्राइविंग सिटी में ज्यादा चलती है तो यार महीने में एक आध बार चेक कर लो कि हमारा चालान हुआ है या नहीं हुआ है, वो अपना चेसिस नंबर वगैरह डालकर तो उसमें पता चल जाता है। तो यार अच्छा सिस्टम बना रखा है गवर्नमेंट ने। देखो यार इतना ज्यादा VIP बंगलोस होने के बाद भी यार घर पे इको खड़ी है। सोच रहे हो यार इको का प्यार कितना ज़्यादा बढ़ रहा है धीरे धीरे, बहुत ही ज़्यादा प्यार बढ़ रहा है। पिछले 2023 की जो सेल्स लिस्ट है वो जो इको की है वो 94,000 से प्लस है यार। इतने यूनिट बिके हैं यार इको के, यार बहुत बड़ा आंकड़ा है एक साल में इतनी गाड़ियाँ बिकना। आगे i20 आ चुकी है तो यार सिटी में यार देख के चलाना पड़ता है थोड़ा, कहाँ से कौन आ जाए कोई पता नहीं यार, तो आदमी साला उसमें उलझा रहता है। बाकी ये देखो यहाँ पे भी कैमराज लगे हैं यार, सब जगह पे कैमरा। देखो भाई प्रॉपर रूल्स का पालन हो रहा है यहाँ पे पुरवा में। देखो यहाँ पे भी कैमराज है यार, कितने ही कैमराज दिखाऊँ आपको। बाकी अभी फिलहाल थोड़ी बहुत गर्मी हो रही थी तो मैंने अपना ये जैकेट वगैरह है वो निकाल दिया है क्योंकि यार पसीने छूट रहे थे। बाकी जो वेदर अभी फिलहाल हमारे यहाँ क्या है कि दिन में भी बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, वो यार खेत में जो है सारे लोग जो अभी फिलहाल पानी का सीजन चल रहा है इसी वजह से भी शायद से हो सकता है, या फिर यहाँ पे जो पॉल्यूशन है वो ज़्यादा होता है उसी वजह से भी हो सकता है यार, पता नहीं। बट जो यहाँ पे सच में यार गर्मी का एहसास हो रहा है। अभी ब्रिज का काम ऑलमोस्ट चल ही रहा है तो थोड़े दिनों में जो है थोड़े महीनों में ये ब्रिज आने का अलग हो जाएगा और जाने का अलग हो जाएगा, तो उस कंडीशन में यहाँ पे ट्रैफिक थोड़ा बहुत कम हो जाएगा बहुत हद तक। यार रोड से यार नितिन गडकरी जी जो है बहुत ही ज़्यादा मतलब रोड पर बहुत ही अच्छा खासा खर्चा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं उसका फ़ायदा जो है हमको मिल रहा है यहाँ पे। देखो भाई उस वरना का देखो, यहाँ पे ट्रैफिक में जो है रॉन्ग जगह पर खड़ी की थी भाई ने तो जो है उनका जो है लॉक लग चुका है। देखो लॉक लगा है। देखो तो यार ऐसी यार गलत जगह पे गाड़ी मत खड़ी करो यार, तो आप चालान से बच जाओगे। रूल्स इतने स्ट्रिक हो रहे हैं कि यार बहुत ही ज़्यादा मतलब यार बहुत ही हद तक जो है रूल्स स्ट्रिक हो रहे हैं, तो यार अपने को भी ध्यान देना चाहिए, ऐसी गलत जगह पर पार्किंग मत करो गाड़ी, नहीं तो आपका भी ऐसा लॉक लग जाएगा। देखो भाई ये आ रखी है क्रेन, देखो तो यही लॉक लगाती है या फिर गाड़ियाँ टोकर के ले जाती है। अगर आपने कहीं पर भी गलत जगह पे गाड़ी खड़ी की तो आपका चालान 100% पक्का है। फिलहाल ट्रैफिक जाम हो रखा है यहाँ पे बिल्कुल बस स्टैंड के पास, गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ यार, इतना ज़्यादा हॉर्न क्यों बजाते हैं लोग पता नहीं यार उनको, मतलब मैं यहाँ पे हॉर्न दबाऊंगा तो ये गाड़ी अपने आप आगे बढ़ जाएगी, कोई सेंस ही नहीं बनता यार यहाँ पे हॉर्न डालने का। और आगे वाली डिजायर का वो देखो एंटेना टूट चुका है यार। गोधरा हो या वडोदरा हो सूरत हो कौन सी भी जगह पे जाओगे ये सर्विस आपको सबसे ज़्यादा फास्ट मिलेगी। सामने एक लेजेंडर आ रही है, कितनी ज़्यादा खतरनाक लग रही है यार। गलती से अगर बाइक वाइक वाला टच हो गया तो यार अपनी गाड़ी पे स्क्रैच पक्का है यार, तो आराम आराम से निकलो बिना कोई जल्दी के, तो आपकी गाड़ी भी सेफ, आप भी सेफ, सामने वाला भी सेफ। बट जो सामने वाला का तो यार क्या ही कर सकते हैं, अगर गलती से उसी ने ठोक दी तो अपनी क्या गलती है यार। उत्तरायण के चलते ये ट्रैफिक चल रहा है इतना ज़्यादा। देखो यहाँ पे सारी जगह पे यानी कि पतंग फिरकिया, अपना तो यार ये सिर पे जिम्मेदारियाँ इतनी है कि क्या है यार पतंग वतंग उड़ाए। बाकी जो बचपन था बहुत ही ज़्यादा यादगार था। पहले क्या करता था बचपन में कि हमारे गांव में सारे मतलब जो भी बच्चे वगैरह थे इकट्ठा होते थे, तब जो है जिसकी मतलब वो फिरकी है जिसकी जो अपना दूरी है वो ज़्यादा काँपती है उसको मैं खरीद लेता था। वैसी भी हरकतें की है मैंने बचपन में, तो यार अभी फ़िलहाल क्या है यार यादें सिर्फ ताज़ा हो सकती है। बाकी जो यार इतना ज़्यादा मुझे किसी भी त्यौहार में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं है, वो चाहे दीपावली हो होली हो, इसीलिए मैं यूट्यूब पे भी बहुत ज़्यादा कम वीडियोस डालता हूँ ऐसी,
कि मतलब उत्तरायण की शॉपिंग ये वो, मैं इतना ज्यादा मतलब मुझे त्योहार में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है। होलसेल मार्केट में अपनी एंट्री हो चुकी है, यहाँ पे वन वे है, देखो यहाँ पे गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, ये सारी जो छोटी मोटी जो किराना शॉप है वो जितने भी लोग चलाते हैं वो सारे सामान लेने के लिए यहाँ पे ही आते हैं। बट जो है यहाँ पे भी यार बहुत ज़्यादा खतरा है, छोटी छोटी गलियाँ है, कोई भी किधर से भी आ जाता है, किसी को कोई रूल्स की पड़ी नहीं है, कोई अपना खुद देख लो यार, वही वाला हिसाब किताब है यहाँ पे। देखो भाई हमने यहाँ पे क्या लिया है वो आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि ये भी पार्ट ऑफ लाइफ है। तो दोस्तों एक बोरी है यहाँ पे आलू की और दूसरी है यहाँ पे प्याज की। एक बार गाड़ी के अंदर बैठ जाए। अच्छा यार सीटों में क्या की मैं वो पॉलीथीन है थैलिया वो लाया था वो रख दी है, उसके चलते यार अपनी सीट ना खराब हो। तो एक बार आपको बिल दिखाता हूँ यहाँ पे, देखो टोटल 1400 रुपये का पड़ा अपने को दो। देखो यहाँ पे यार बहुत सारी दुकान है, यहाँ पे लहसुन, यहाँ पे तेल, जो चाहिए यहाँ पे होलसेल मार्केट में आपको सारा मिल जाएगा। अगर आपको पॉलीथीन की थैलियाँ चाहिए प्लास्टिक की, देखो यहाँ पे ये कृष्णा प्लास्टिक, देखो हम यहाँ से ही ले जाते हैं। बाकी यहाँ पे आपको बेकरी की आइटम चाहिए वो भी मिल जाएगा, तेल चाहिए तो यहाँ मिल जाएगा, नारियल वगैरह चाहिए सारा यहाँ पे अवेलेबल है यार, A to Z। बहुत सारे एक दो वीडियो मैंने डाला था उसमें जो है भाई लोग कह रहे थे कि अपना होलसेल मार्केट दिखाओ, बट जो है मैं ज़्यादातर नहीं आता हूँ यार, एक दो चीज़ें और लेनी है छोटी छोटी, वो आपको कैमरे में नहीं शो कर सकता। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। और मैं आया था कहीं और दूसरे काम से, तो यहाँ पे गोधरा पड़ रहा था मात्र 10 किलोमीटर, तो यहाँ पे ठोक डाली। देखो यहाँ पे क्या चल रहा है यार, एक टाइम था कि हम ये सारा काम करवाने के लिए साइकिल लेकर जाते थे, और आज यार सब कुछ है गाड़ी है बाइक है, बट जो है आज वो मजा नहीं रहा यार, पता नहीं क्यों यार। छोड़ो इन सब बातों को, बाकी लाइफ को एंजॉय करो, मौज मारो, दूसरा क्या चाहिए यार, और ऐसे घूमते रहो फिरते रहो, दूसरा कुछ नहीं चाहिए यार जिंदगी में। देखो भाई अभी फिलहाल मैं हूँ यहाँ पे वडोदरा वाले रोड पे, और ये गाड़ी सुपर कैरी देखो अपने लेबल वाली, देखो का अपना मामा का आया हुआ है यहाँ पे, तो एक बार उनसे मिल लेते हैं, फिर चलते हैं यहाँ पे हाईवे पे। फिर चलते हैं दोस्तों यहाँ से सीधे हाईवे की तरफ, और यहाँ पे इसमें CNG भी लाल हो चुका है, तो CNG भी टैंक फुल करवाना पड़ेगा। ये टैंक जो लिमिटेडा में फुल करवाया था वो अभी तक चला है, तो फिर से रिफिलिंग आ चुका है यहाँ पे। यार एक टैंक चल जाता है करीब 200 किलोमीटर के आसपास, देखो 200। तो भाई देखो हमने जो लाल अक्षर में कैरी लिखवाया था वो जो है कितना ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, देखो कैरी लाल अक्षर में बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा है। अगर आपके पास भी नए मॉडल की सुपर कैरी है तो आप भी ऐसे रेड कलर का करवा सकते हो, तो पीछे से लुक देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया निकल कर आ रही है, देखो तो आप भी ऐसा करवा सकते हो। साथ ही 100 रुपये में अपना रेडियम खुद ला कर भी कर सकते हो, बट जो किसी आर्ट वाले के पास करवाओगे तो फिनिशिंग अच्छी आएगी। देखो भाई जीप कितनी खतरनाक है, देखो मॉन्स्टर जीप, देखो कभार ऐसे मॉडिफाइड गाड़ियाँ देखने मिल जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम देखने मिलती है ऐसे मॉडिफाइड गाड़ियाँ, और बहुत ही ज़्यादा लोग शौक कम रखते हैं यहाँ पे। और भी मॉडिफाइड गाड़ियाँ होगी बट जो मेरी नज़र में यहाँ पे नहीं है, मैं तो जो दिखती है वो आपको कैमरा के माध्यम से शेयर करता रहता हूँ। भाई आ चुका है यहाँ पे गोधरा बाईपास, देखो नहीं यहाँ पे शायद से कुछ बनेगा होटल वोटल, तो अभी फिलहाल बस छोटा सा ही ग्राउंड रह गया है, देखो। तो यार गाड़ी वाड़ी सीखना चाहता था कोई तो यहाँ पे आ जाता था इजीली, बट जो यहाँ पे अब थोड़ी दिक्कत है, देखो वहाँ पे हमने अल्टो के साथ बहुत बड़ा यहाँ पे फन किया था, और बाकी जो है यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट होते रहते हैं, उसका रीज़न ये है कि वहाँ पे कोई बड़ा बम नहीं है, तो इसी के चलते क्या है कि कोई भी स्पीड में आता है तो सीधा वैसे नीचे ही चला जाता है। बहुत बारी ऐसे गाड़ियाँ सीधी भी उतर रखी है ट्रक वगैरह, और जो है एक बार तो यहाँ पे डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ गई थी, क्योंकि उस साइड से बहुत ज़्यादा स्पीड में आते तो यहाँ पे ऐसे राइट की साइड मुड़ना होता है, बट जो है स्पीड ज़्यादा होने की वजह से मुड़ नहीं पाती गाड़ी और सीधी सीधी नीचे चली जाती है, तो ये रीज़न है यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्सीडेंट होने का। देखो यहाँ पे गोधरा बाईपास पे जलाराम स्कूल के बिल्कुल पास, भाई हम जब नई गाड़ी खरीदने जाते हैं तब जो है डीलरशिप वाले या फिर शोरूम वाले क्या बोलते हैं कि इतनी वेटिंग। यहाँ पे एक चीज़ दिखाता हूँ, देखो ये क्या है भाई, देखो यहाँ पे सफारी का फेसलिफ्ट भी है, उसके बाद टियागो है, टाटा पंच है, टिगोर है, नेक्सोन है, यहाँ पे सफारी है फेसलिफ्ट, देखो ये वाइट कलर में, यार पता नहीं यार किस सिस्टम में बहुत अच्छा खासा स्टॉक पड़ा है यहाँ पे, फिर भी यार क्यों वेटिंग है इतनी ज़्यादा, और ज़्यादातर गाड़ियाँ पेट्रोल ही है देखो, और सामने पड़ी है ऐसे ठुकी हुई गाड़ियाँ, टोटल लॉस गाड़ियाँ, देखो टॉप मॉडल पड़ा है, 20 मॉडल पड़ा है यार, देखो सनरूफ वाली गाड़ियाँ है, देखो यार पता नहीं यार किस सिस्टम है,
और जब शोरूम वाले गाड़ी लेने जाते परचेस करने तब बोलते हैं इतना वेटिंग ये वो, और मुझे तो शायद से ऐसा लगता है कि वेटिंग के नाम में एसेसरी चिपकाना ही काम है यार, वैसा ही हो सकता है शायद से, मुझे इतना ज्यादा आइडिया नहीं, बट जो है यहाँ पे स्टॉक तो यार सारी गाड़ियों पर ही है, टाटा की अल्ट्रोज भी है देखो, अल्ट्रोज पंच टिगोर टियागो सफारी हैरियर सारी गाड़ियां पड़ी है देखो। तो फिलहाल देखो दोस्तों हमने अहमदाबाद वाला हाईवे छोड़ दिया है, अब यहाँ पे आ चुके हैं हम दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पे, देखो बढ़िया एक बार चलते हैं यार, देखना चाहिए यार। तो यार कितना मस्त नजारा है देखो यहाँ पे यार, सोचो कितनी ज्यादा हैवी लोडेड गाड़ियां चढ़ जाती है आराम से बिना कोई दिक्कत के, देखो यार बहुत ही ओवर लोडेड गाड़ियां यहाँ पे चढ़ जाती है यार, वो मिट्टी जब डंप होती है तो यार मिट्टी तो कहीं से ना कहीं से लानी पड़ती होगी, तो फिर भी जो है यार अपना बढ़िया चढ़ जाती है यहाँ पे गाड़ी, देखो ये कितना स्टीप डालन है एकदम कठिन यार, लोडिंग गाड़ियों की बात ही अलग हो जाती है यहाँ पे। देखो भाई एक लेयर नीचे दूसरा लेयर इससे ऊपर, ये तीसरा लेयर, ये चौथा लेयर और ये पांचवा लेयर, यार पांच लेयर है रोड के देखो आगे पांच लेयर, तो यहाँ पे चढ़ गए हैं ऊपर, तो बढ़ते हैं आगे आगे, रोड कितना बना है वो तो देखकर आते हैं। चलो देखो भाई वहाँ पे है सामने इंदौर अहमदाबाद वाला हाईवे, और यहाँ पे देखो आगे खत्म हो चुका है, बाकी जो है सामने ब्रिज वगैरह है देखो उस साइड, तो ये रोड बहुत जल्दी शायद से लैंड वगैरह का लफड़ा होगा इसी वजह से यहाँ पे आके काम अटक गया है, बाकी यहाँ पे आगे रोड खत्म है, बाकी ये खड़ी अपनी रामप्यारी देखो अपनी रानी 2370। यार इसका ना एक प्रॉब्लम आ रखी है कि ये देखो ये टायर यार एक साइड से गंजा हो चुका है, देखो साइड से ज़्यादा जा रहा है, और बैलेंसिंग तो ऑलरेडी आपको मैंने शो किया था, सर्विस का बिल वगैरह आपको दिखाया था तब भी मैंने जो है बैलेंसिंग वगैरह करवाया था, बट जो है पता नहीं की सिस्टम है कि टायर एक साइड से ख़त्म हो चुका है, बाकी जो इस साइड का देखो यहाँ पर ठीक है देखो एक साइड से नहीं खींच रहा है, बट जो है पता नहीं यार क्या सिस्टम है, बाकी देखो ये टायर भी ठीक है, यानी कि टायर को रोटेशन किया गया है यानी कि आगे पीछे कर दिया गया, यहाँ पे भी ठीक है टायर कोई दिक्कत नहीं, बाकी जो अपनी रानी का लुक देख लो एक बार ना, ये हाईवे मस्त बन रहा है, उसी तरीके से आपके गाड़ी के केबिन के अंदर अच्छी खुशबू का होना बहुत ज्यादा जरूरी बात है, तो अच्छी खुशबू के लिए मैं आपके लिए लेकर आया हूँ इनवॉल्व वन का मस्त परफ्यूम, देखो यार बहुत ही अच्छा सा परफ्यूम है, दिखने में छोटा सा है बट जो काम बहुत बढ़िया कर देता है, इसमें ऑन ऑफ करने का बटन भी मिलता है, जब आप इसको ऑर्डर करते हो तो 3M का टैप भी मिलता है, तो आप ऐसे डैशबोर्ड वगैरह में कहीं पर भी ऐसे चिपका सकते हो और बॉटल होल्डर वाली जगह पे रख सकते हो, तो आपका भी अगर ऐसा परफ्यूम मंगवाना है तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक मिल जाएगा, वहां पे जाकर आप क्लिक करके इजीली खरीद सकते हो, और मेरा कूपन कोड यूज करते हो प्रदीप 2370 तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा, तो फटाफट जाओ इनवॉल्व वन का मस्क परफ्यूम खरीदो और गाड़ी को तुरंत महका डालो। देखो भाई फिर से आ चुका है हाईवे के बिल्कुल पास, ये है अपना लूणावड़ा वाला हाईवे, ये हाईवे के बिल्कुल पास था इसी वजह से जो है जाने का बहुत ही ज्यादा मन कर रहा था, तो गाड़ी ठोक डाली सीधे ही हाईवे पे, यहाँ पे हमारा सीएनजी टैंक बिल्कुल खाली हो चुका है, गाड़ी स्विच हो चुकी है पेट्रोल में, और देखो 217 किलोमीटर चली गाड़ी 217, देखो सीएनजी की लाइट भी आ चुकी है, तो यहाँ पे पास ही है अपना सीएनजी पंप गुजरात गैस का, तो वहाँ से फटाफट सीएनजी डलवा लेते हैं, तो भाई देखो यहाँ पे गुजरात गैस का सीएनजी पंप आया है, देखो देखो प्रेशर देखो यार कितना खतरनाक है, टैंक एकदम फुल देखो 698 की सीएनजी आई एकदम फुल, और 700 रुपये की सीएनजी आई यार, 700 रुपये में 2 रुपये कम, क्योंकि यार प्रेशर 200 के ऊपर ही था, तो अब जो है ये लाइट कैसे हटेगी, तो हम जैसे ही इसको सीएनजी में कन्वर्ट करेंगे, देखो ये वाला बटन दबाया मैंने, देखो लाइट चली गई और गाड़ी भी अपनी सीएनजी में स्विच हो गई, तो ऐसे करके ये लाइट सिंपल वे में चली जाती है, तो चलिए फटाफट अब मेरे को जहाँ पे जाना है वहाँ पे चलते हैं, और वीडियो को भी साथ साथ में एंड कर देते हैं, तो मैं वैसे ही यहाँ पे थोड़ा बहुत जो गोधरा के साइड में काम से आया हुआ था, तो सोचा कि आप लोगों के लिए कुछ वीडियो डाला जाए, तो वैसे ही मैंने ये रेंडम वीडियो शूट करके डाल रहा हूँ, तो आई होप कुछ ना कुछ आपको पसंद आया होगा,
पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट सब्सक्राइब जो भी करना है आप कर सकते हो। और जो गाड़ी को महकाना चाहते हो तो मेरा लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर जाकर वो परफ्यूम खरीदो और गाड़ी को महका डालो। तो इंस्टाग्राम पर जरूर से फॉलो कर लेना। तो वीडियो को यहीं पर एंड कर देते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।